एक्स सर्विसमैन पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की आज मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 नवंबर को सहारनपुर की धरती से तमाम प्रदेशों के पैरामिलिट्री रिटायर्ड पर्सन इकट्ठे होकर सहारनपुर की धरती से अपनी मांग को अधिकारों के लिए एक बहुत बड़े महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी की रणनीति बनाने के लिए कि हमें कहां कहां से क्या आयोजन किया जाएगा, इस मीटिंग का यही मुख्य एजेंडा है। आज पूरे देश में एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड पर्सन अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ा है, तो 13 नवंबर को सहारनपुर की धरती से ऐसा महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी जितनी भी हमारी मांग है वो मांग माने, अन्यथा पूरे देश के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स इकट्ठा होकर अपनी मांगों के लिए दिन रात संघर्ष करने का काम करेगा, क्योंकि पैरामिलिट्री का जवान 24 घंटे लड़ाई लड़ता है। इस देश में पैरामिलिट्री फोर्स के बिना हम चैन की नींद नहीं सो सकते। आज रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि सरकार हमारी मांग क्यों नहीं मान रही, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो पुरानी पेंशन की बहाली हो, चाहे वो सीएचटी कैंटन फैसिलिटी हो, चाहे वो शहीद का दर्जा हो, इन पैरामिलिट्री रिटायर्ड पर्सन में बहुत गुस्सा बहुत आक्रोश है। 13 नवंबर की का जो ये महासम्मेलन है, इसी की रणनीति के लिए हमने इस छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया। पैरामिलिट्री फोर्स जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्स जिंदाबाद।